गुगो ज्योति मांग रहा है नींबू। हाँ गुगो ये खा रहा है नींबू। गुगो तो हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी सुबह कुछ 7 बज रहा है, बस थोड़ा जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाते हैं, ब्रश करते हैं और खाते हैं और निकलते हैं खेत में। आज खेत में कुछ धान का जो हमने काट के पकाया था तो खेत में पड़ा हुआ है, तो उसे बाबूजी ने वीडिया बनाया है, तो उसे थोड़ा पूंजी लगाएंगे खेत में। तो चलिए जल्दी जल्दी खा के मैं फ्रेश हो जाता हूँ और चलते हैं खेत में। तो फ्रेंड्स अभी जा रहा हूँ खेत में, तो खेत में थोड़ा धान का जो कटाई हुआ था तो उसका तो बाबूजी ने कुछ वीडिया बना रहे हैं, तो उसे उठाएंगे, तो उठा के एक जगह गद्दा लगाएंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर पूंजी मारेंगे। तो हमारा घर से 2 किलोमीटर के आसपास होगा, तो इसलिए वो जो गद्दा बनाएंगे वहाँ पर, जो वीडिया बनाएंगे, तो घर को नहीं लाएंगे, बस वहाँ पर एकदम पूंजी लगाएंगे, बहुत बड़ा पूंजी लगेगा वहाँ पर। तो चलिए अब चलते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पर जो गद्दा लगा रहे हैं ना, देखिए, तो उधर से लाके सारा धान का जो बीड़िया है तो वहाँ से लाके यहाँ पर गद्दा लगा रहे हैं, तो इस तरह का हम लोग बनाएंगे वहाँ पर। तो देखिए इस तरह का पूंजी हमने मार लिया है, तो बीड़िया को इस तरह ऊपर ऊपर गद्दा लगाना है, तो और भी है। तो फाइनली दोपहर हो चुकी है, बस अभी अभी खेत से आके घर पहुँचे हैं और सारे धान को हमने तो पूंजी लगा दिया है और थोड़ा भी पड़ा है खेत में, तो जाएंगे शाम को जाएंगे। तो चलिए अभी थोड़ा नहा धो के फ्रेश होते हैं, फिर थोड़ा लंच करेंगे, देखेंगे आज लंच में क्या बनी है। तो चलिए पहले नहा लेते हैं। तो फाइनली नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं, बस चलिए अब खाएंगे लंच। दोपहर में बनी है दाल और साथ में बनी है पपिया आलू भजा और साथ में खाएंगे ये नींबू के साथ थोड़ा लहसुन के साथ हरी मिर्ची डाल के एकदम चटनी बना के खाएंगे। तो चलिए तो नींबू को थोड़ा चटनी बना के खाते हैं। देखिए मम्मी छड़ा रहा है नींबू, ये नींबू का चटनी बना के खाएंगे। गुगो ज्योति मांग रहा है नींबू। ऑल बड़े खा रहा है नींबू। गुगो दे रहा है फिर ले रहा है, दे रहा है फिर ले रहा है। गुगु मीठा लगा और साथ में डाल, देखिए डाल नहीं नहीं मार रहा कुछ नहीं। मुझे नहीं था तेरे को बुला देगा, चाय लाओ दीजिए खाई दीजिए फटे के लाना कुछ नहीं। देखिए ज्योति के साथ मम्मी को खिला रहा है। तो आज बनाएंगे सज्जन साग का पकौड़ा बनाएंगे, तो चलिए चलते हैं बाड़ी के अंदर, तो वहाँ से कुछ तोड़ेंगे सज्जन साग का पत्तियाँ। और तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं सज्जन पत्ता तोड़ने के लिए। देखिए ये हमारा सज्जन का साग का पेड़ है, ये देखिए। तो भाभी तोड़ रहा है, भाभी का हाथ पहुँच नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा देख के तोड़िएगा, क्योंकि देखिए सज्जन पत्ता का फूल आ चुका है। देखिए ये सब फूल है, ये देखिए फूल आ चुका है, छोटा छोटा कड़ियाँ भी आ चुकी है, तो इसीलिए थोड़ा हल्का से आराम से तोड़ना। तो छोड़ो मैं तोड़ता हूँ, तुम वीडियो बना लो। एटा रूतुरा
ये सारे पत्तियाँ जो है ये पक चुका है, देखिए ये वाला नहीं लेंगे, एकदम हरी हरी पत्तियाँ लेंगे। ये देखिए एकदम हमने तोड़ लिया है, तो चलिए चलते हैं। तो देखिए हम तोड़ के अभी जा रहे हैं, तो अभी शाम को 4:30 हो रहा है, बस अभी लेके थोड़ा साफ सुथरा करेंगे फिर, और शाम को बनाएंगे पकोड़ा। तो आज शाम का नाश्ता में सारे लोग खाएंगे पकोड़े। तो फाइनली साग लेके आ चुके हैं, ये जो सजन का पत्ता है तो लेके आए थे, तो अभी उसे पत्ता को तोड़ रहे हैं। इस तरह का तोड़ना पड़ता है, ये जो छोटा छोटा टहनी है इसे निकालना है, फिर पत्ता को रखना है। हमारा मोबाइल आटा भी डोग तो फाइनली हमने साग को तोड़ लिया है। ये साग को हमने तोड़ लिया है, उसे अभी काटेंगे, तो काट के थोड़ा 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 करना है फिर उसे। तो आज बनाएंगे पकौड़ा, तो ये बनाएगा सज्जन भक्त का पकौड़ा बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पकौड़ा बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, देखिए भाभी अभी बना रही है। देखिए साग के ऊपर अभी बेसन डाल दिया है, साथ में जीरा पाउडर और नमक भी डाल दिया है, बस उसे मिलाएंगे और बाद में मिलाएंगे मिर्ची पाउडर। तो देखिए तो फिलहाल हमारा तेल भी गर्म हो चुकी है, सब डालेंगे। देखिए
फाइनली हमारा पकौड़ा बन चुका है। चलिए सारे लोग मिलके खाते हैं। अभी तो शाम का टाइम है, थोड़ा नाश्ता है, ये हमारा नाश्ता है, शाम का नाश्ता है। तो आज शाम का नाश्ते में बनाए हम लोग सज्जन साग के पकौड़े। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो जरूर लाइक करना। तो चलिए सारे लोग मिल के खाते हैं और टेस्ट बताते हैं आप लोगों को, आप लोग भी घर में बना सकते हो। तो फाइनली हमारा पकौड़ा बन चुका है, तो चलिए सारे लोग मिल के खाएंगे। अभी टिफिन का टाइम है, तो शाम का टाइम अभी 6:30 के ऊपर हो चुकी है, तो खाएंगे अभी नाश्ता। तो चलिए आज का नाश्ता में बनाया हम लोग ये सब्जी साग का पकौड़ा। ना जाना काम न होता था, देना हमारा पकौड़ा एकदम मस्त बनी है, एकदम कुरकुरा। फाइनली पकौड़ा तो मस्त बनी थी, सारे लोग मिलके खाए। तो चलिए आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।